तो गुड लोग, आज अपन एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटम मीनिया की पूरी कहानी के बारे में बात करेंगे। सो मोस्ट प्रोबली इनमें लीक्स, कुछ हाइपोथेटिकल स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं, तो सोच समझ के ही आगे चलना। जहां बिना टाइम वेस्ट करे एंटमैन 3 के कैरेक्टर्स और उनके इवेंट्स को लाइन में लेकर चले, तो स्कॉट और होप हो चुके हैं फेमस थैनोस को हराने के लिए और वो अपनी इस नई नवेली फेम का बहुत जम के फायदा उठा रहे हैं। वहीं मूवी का एक सीन हमें स्कॉट के शब्दों में ही सुनने को मिलता है, क्योंकि वो अपनी नई बुक स्कॉटलैंड लुकिंग आउट फॉर द लिटिल गाय का भाई प्रमोशन कर रहा है। देन वहीं उसकी बेटी केसी का उसे कॉल आता है। देन उसे रियलाइजेशन होता है कि कैसे ब्लिप के बाद अपनी बेटी से रीकनेक्ट करने में उसे कितनी स्ट्रगल हो रही है, क्योंकि उसकी बेटी भी उल्टी सीधी हरकतें कर रही है जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ता है, मगर फिर भी उसकी चुल कम नहीं होती है। केसी हैंक और जैनेट के साथ मिलकर क्वांटम रियल में एक अनदेखी जगह पर सिग्नल भेजने की तैयारी करती है, जहां उस फैमिली ड्रामा में स्कॉट, केसी एंड होप, हैंक और जैनेट दो अलग टीम्स में सेपरेट हो जाते हैं एंड तभी किसी मैलफंक्शन की वजह से क्वांटम रियल में वो खींचे चले जाते हैं, जहां हमें सबसे पहली बार क्वांटम रियल में रहने वाली सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है, जो कैंग के शासन को नहीं मानते और वहां की डायनेस्टी के खिलाफ किसी तरीके की बागी हैं। एंड देन हमें होप की टीम में जैनेट के किसी पुराने आशिक यानी क्राइलर के पास वो जाते हैं, क्योंकि वो क्वांटम रियल में किसी तरीके का वहां का एलीट एरिस्टोक्रेट है। एंड तभी हमें कैंग के बारे में जैनेट के द्वारा पता चलता है कि जब वो पहली बार क्वांटम रियल में गिरी थी तो वहां के खतरों से इस मजबूत मर्द ने मेरी जान बचाई थी। हमारे अकेलेपन ने हमें एक साथ जिंदा रखा, क्योंकि हम दोनों इतने अलग होने के बावजूद भी इस पाप में एक साथ थे। क्वांटम रियल में दोनों ने एक साथ जिंदा रहना सीखा, जहां उसे कैंग की शिप के बारे में पता चलता है जो किसी तरीके का मल्टीवर्सल ट्रैवल कर सकती है। जैनेट उसकी मदद करने के लिए उसे ठीक करने लगती है एंड देन कैंग भी जैनेट के नट बोल्ट्स टाइट करने लगती है ताकि वो वहां से बाहर निकल सके। मगर एक रात उस जवानी की भड़कती हुई आग में वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। जैनेट ने कैंग को खुद के नट बोल्ट टाइट करते हुए देख लिया। उससे ये दर्द सहा नहीं गया, वो समझ गई कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो कैंग पूरे मल्टीवर्स के नट बोल्ट टाइट करने लगेगा, वो भी अकेले। फिर वो कैसे भी हिम्मत करके कैंग का आमना सामना करती है, उसके असली घिनौनी नीयत का पर्दाफाश करती है और उसके सारे शिप के नट बोल्ट खुद ही खोल देती है। कैंग से ये दर्द सहा नहीं जाता, ये सदमा उसके दिल पे लग चुका है और तब से वो हमेशा हमेशा के लिए क्वांटम रियल में फंस के रह गया और तब से वो जैनेट से अपना बदला लेने की तैयारी भी कर रहा है। एंड हाँ, साइड में अपना मल्टीवर्स को कब्जा करने वाली बातें तो चली रही हैं। एंड खैर, जब कैंग का सामना एंटमैन से पहली बार होता है तो वो बताता है कि मैंने कितनी बार एवेंजर्स को मारा है, मगर अभी उन दोनों के एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि जो रोबोट्स की आर्मी उसे मोडॉक यानी कि डैरन क्रॉस के साथ बनाई है वो उसे मल्टीवर्स के अनचार्ट रीजन को कॉन्कर कर चुका है और करना चाहता है। एंड देन अब अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए या फिर यहां से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए तो तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी। स्कॉट भी उसका सच जानने के बाद उसे मना कर देता है, मगर कैंग उसे समझाने की थोड़ी कोशिश करता है कि बोफड़ी के जिससे मैं लड़ने जा रहा हूं, जिससे आगे तुम लड़ने जाओगे और जिससे ये सारा लड़ाई वाला मैटर चलेगा, वो मैं खुद ही हूं। मैं एक्चुअली मैं तुम्हें अपने आप से बचाने जा रहा हूं। मगर इस कैंग की हरकतें बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव और डेस्परेट है, जिसकी वजह से कोई इस पे भरोसा नहीं कर सकता। तो फिर कैंग स्कॉट को नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज के बीच में हमेशा हमेशा के लिए सड़ने के लिए फेंक देता है। मीनवाइल कैंग ने मोडॉक की जान तो बचाई, मगर वो उससे वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमेशा उसे नहीं मिलती, क्योंकि वो भाई और वो अपने आप से भी खुश नहीं है ऐसे देखकर। तो केसी भी उसे थोड़ा बहुत कन्विंस करने की कोशिश करती रहती है। तभी स्कॉट क्वांटम नेक्सस में अपनी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन से एनकाउंटर करता है, जहां उसका बास्किन रॉबिन्स वाला भी एक वर्जन होता है जिसे अभी इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं है। खैर, तभी स्कॉट खुद से मल्टीवर्स के सेल्फ से काम करना फिगर आउट कर लेता है, जहां उसका पहला प्रतिद्वंदी मोडॉक को हराना होता है। एंड अब मूवी का फाइनल एक्ट करीब आ चुका है। जैनेट, होप और हैंक की एंट टीम्स कैंग पे अटैक करना चालू कर चुकी हैं। स्कॉट भी नेक्सस से बाहर आ चुका है। केसी भी मोडॉक को ऑलमोस्ट कैंग के खिलाफ कन्विंस कर चुकी है एंड अपना कैंग अकेला है। फिर मोडॉक अपने मोटिवेशन और कंप्यूटिंग पावर से कैंग की हरामी पने की नियत को नाप लेता है और फुल फोर्स के साथ उसकी सारी कमजोरियों पर अटैक करता है, जिससे उसका सूट बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है। मगर मोडॉक उसे एकदम से मार नहीं सकता, क्योंकि कैंग को वो अकेले हरा नहीं सकता। एंड देन सब अपने अपने नए सूट में आते हैं। जायंट्स, स्मॉल्स, रेबल्स सब वॉर का हिस्सा बनते हैं, मगर कैंग का फाइनल फेस ऑफ स्कॉट को ही करना होता है, क्योंकि जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं बाकी टीम कैंग की फ्रेशली मेड टेक्नोलॉजी से क्वांटम रियल से भाग रही होती है। स्कॉट को वहां पे उसे रोकना होता है एंड तभी कैंग को रियलाइजेशन होता है एंड मौका देख के वो भी फरार हो जाता है या फिर मारा जाता है एंड अपने स्कॉट हमेशा हमेशा के लिए क्वांटम रियल में अकेले फंस जाते हैं। एंड अपनी असली दुनिया में केसी अपने पापा को बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करने के लिए तैयार हो जाती है। एंड तभी अपना पोस्ट क्रेडिट में स्कॉट को कुछ बहुत ही अच्छी और फैंटास्टिक चीज क्वांटम रियल में दिखती है। खैर गुरु, अब तो ये मेरा पूरा प्लॉट था एंटमैन 3 मूवी को लेकर, जो मैंने सारी थ्योरीज लीक्स को एक साथ कंबाइन करके बनाया है। तुम इनमें से कुछ भी जानते हो या फिर तुम इनमें कुछ भी ऐड करना चाहते हो या फिर तुम इन कहानी के किसी भी मोड़ के बीच में कुछ भी चेंज करना चाहते हो, तो अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना कि तुम इस मोड़ पे इस चीज को कैसे
से देखते हो। एंड मूवी को लेकर एक्स्ट्रा क्या तुम्हारी थ्योरीज है वो सारी चीजें मुझे कमेंट जरूर बताना। इन सारी थ्योरीज के लिए मैं तुम्हारे कमेंट्स में बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मगर तब तक के लिए मैंने पठान मूवी के ऊपर भी बात की है जहां मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।